दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेल्टोन कार्यपालक सहायक रजिस्ट्रेशन 6 मार्च से होने वाले थे, जो स्टूडेंट खुद से री रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे, तो आखिर वो रजिस्ट्रेशन अभी तक डेट क्यों नहीं आया, इस पर हम चर्चा करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट को लग रहा था कि अब कोई भी लिंक आने वाले नहीं है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, आप लोग जो है रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। इसमें मेन मुद्दा क्या था, आप लोग आगे समझ लीजिए, रजिस्ट्रेशन क्यों नहीं हो रहा था। आप लोग का जो कहना था कि जो BPSM से कार्यपालक सहायक थे, ये पहले ही पास आउट थे और ये लगातार धरना प्रदर्शन करते आ रहे हैं। आप लोग का जो रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया था 6 मार्च से रखा गया था, ठीक है, और आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे, इससे पहले जो है बेल्टोन के प्रेशर था कि पहले आप लोग को रजिस्ट्रेशन करवा देते हैं, उसके बाद न्यू रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले कार्यपालक सहायक काफ़ी दिनों से जो है 4 मार्च से लगातार जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो भी कार्यपालक सहायक है, हम लोग ऑलरेडी 3 बार एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो फिर से एग्ज़ाम क्यों देंगे। आगे आप लोग 2 मिनट का क्लिप सुन लीजिए, उसके बाद हम कुछ और पर्सनल जानकारी देने वाले आप लोग के साथ। सरकार हमारी मांग नहीं मानती है, तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे, चाहे इसके लिए हम लोग को जो कुछ भी करना पड़े। 11 से बिहार को डिजिटल बिहार बनाने में तन मन धन से लगे हुए हैं। आज जो बिहार जो डिजिटल बिहार बना हुआ है, वो कार्यपालक सहायकों के देन से बना हुआ है, और कार्यपालक सहायक बिहार सरकार के सभी सरकारी विभागों में सन 2011 से काम कर रहा है। और अब सरकार को वेतनमान देने पर बात करनी चाहिए थी, तो सरकार अब बेल्ट्रॉन में मर्ज करना चाहती है, बेल्ट्रॉन में कार्यपालक सहायक को समायोजन करना चाहती है, जबकि बेल्ट्रॉन एक प्राइवेट एजेंसी है। वो प्राइवेट एजेंसी जो है बहुत शोषण करता है, अभी तक जितने उसमें कर्मी हैं उनका बहुत शोषण करता है, 25% उसमें से TDS काट कर वो उनका आर्थिक रूप से शोषण करता है, जिसका नाम है बेल्ट्रॉन। तो जब हम सरकार के अंग हैं, सरकार के जिलाधिकारी द्वारा दक्षता परीक्षा आयोजित होने पर हम कार्यपालक सहायक यहाँ कार्यरत है, तो सरकार को वेतन मान देना चाहिए, न कि अब दक्षता परीक्षा लेना चाहिए। इसी के विरोध में हम लोग आज 2 दिन के सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं। अगर 48 घंटे में सरकार हमारी बात को नहीं सुनती है, तो हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल करेंगे, आत्मदाह करेंगे, और भी आगे भी जो रणनीति है उस पर हम लोग कार्य करेंगे। तो अभी फिलहाल जो आप लोग की मुख्य मांग क्या है? मुख्य मांग यही है कि जो दक्षता परीक्षा बेल्ट्रॉन लेने के लिए आ रही है, उसको सरकार रद्द करे, क्योंकि हम लोगों ने 3 बार दक्षता परीक्षा जिलाधिकारी के निगरानी में देने के बाद ही हमारा नियोजन हुआ, हमको नियुक्ति पत्र मिली, तो फिर किस आधार पर बेल्ट्रॉन हमारा दक्षता परीक्षा लेना चाहती है? आखिर सरकार का क्या मंशा है? क्या सरकार अवैध उगाही करना चाहती है बेल्ट्रॉन के नाम पर? क्या सरकार जो है बेल्ट्रॉन को दलाल बनाकर जिला में और हर जिला में भेजकर उनका आर्थिक रूप से शोषण करना चाहती है? इसके विरोध में हम लोग आज सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हुए हैं, और सरकार को सरकार के कान में अपनी बात आपके मंच से बताना चाहते हैं कि आज कार्यपालक सहायक ही है कि आपकी सरकार बनी है, और कार्यपालक सहायक की देन है कि आपको देश विदेश में जो आपको सम्मान मिला है। 6 मार्च से जो भी कार्यपालक सहायक रजिस्ट्रेशन करने वाले थे, आप लोग इस आंदोलन से अनुमान लगा सकते हैं किस तरह से आंदोलन हो रहा है। सभी कार्यपालक सहायक का मांग है कि हम लोग ऑलरेडी पास आउट है, तो बेल्ट्रॉन हम लोग को क्यों फिर से एग्जाम लेंगे, ठीक है। यह आंदोलन 4 मार्च 2023 से लेकर 6 मार्च 2023 तक रखा गया था। उस बीच में तेजस्वी यादव मिले होंगे, उसके बाद आवासना देकर जो है इन सबको लौटा दी गई है। आप लोग जो रजिस्ट्रेशन करेंगे बेल्ट्रॉन में, तो आप लोग को अब रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, या विदाउट रजिस्ट्रेशन के आप लोग पैनल में आ जाएंगे। इसका फाइनल स्टेटमेंट 12 से लेकर 15 मार्च के बीच में आप लोग को इस चैनल के माध्यम से दे दी जाएगी। जो भी कार्यपालक सहायक रजिस्ट्रेशन करने वाले थे 6 मार्च से, आप लोग को अब एग्जाम होंगे या बिना एग्जाम के ज्वाइनिंग करवा देंगे बेल्ट्रॉन, इसका फाइनल स्टेटमेंट 12 से लेकर 15 मार्च के बीच में मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से। जिला स्तर पे जो रजिस्ट्रेशन का डेट रखा गया था 13 से लेकर 23 फरवरी तक रखा गया था, तो वो जो है जिला पदाधिकारी के द्वारा 13 से लेकर 23 तक रखा गया था, लेकिन वो जो है कंप्लीट हो चुका है। स्टूडेंट खुद से जो रजिस्ट्रेशन करते वो 6 मार्च से रखा गया था, लेकिन कार्यपालक सहायक इस बीच में जो है फिर से आंदोलन कर बैठे, इसीलिए जो है इस पर रोक लगा दी गई थी। 90% चांस है कि आप लोग को एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा। फाइनल अपडेट आने के बाद आप लोग को हम इस चैनल के माध्यम से जानकारी दे देंगे। अभी हम विशेष कुछ भी जानकारी देंगे तो आप लोग को
को कुछ बुरा भी लग सकता है, लेकिन ऑफिशियल आने पे आप लोग को जानकारी दे दी जाएगी। 90% चांस है कि आप लोग को जो है एग्ज़ाम देकर पैनल में आना पड़ेगा, क्योंकि सभी प्रक्रिया जो कंप्लीट हो चुका है। लास्ट पॉइंट जो था आप लोग को रजिस्ट्रेशन करना था, लेकिन बीच में आंदोलन कर दिए, तो फाइनल स्टेटमेंट आप लोग को 12 से 15 तक में मिल जाएंगे इस चैनल के माध्यम से।